हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरोज की तरह। मैं आज भी नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग करने वाली हूँ गाइस। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सिड, दो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है गाइस। जिनके भी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको क्या करना है, नहीं करना है, अवॉइड करना है, मूव ऑन कर जाना है, या तो फिर सच में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट थिंकिंग क्या है, ये जानने के लिए आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। पेड रीडिंग होते हैं, फ्री रीडिंग नहीं होते हैं पर्सनल रीडिंग। तो ज़रूर पर्सनल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा आज फुल मून है, तो मैं फुल मून की रीडिंग करने वाली हूँ। यस, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं स्पेशली, उनके पर्सन की फुल मून पे क्या एनर्जी है, क्या इफेक्ट्स पड़ा है उनके करंट फीलिंग्स के ऊपर, करंट लाइफ में, ठीक है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, प्लीज़ एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है, सेपरेशन में है बहुत टाइम से, उनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है आज के दिन में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। गाइस, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्योंकि मेरे घर के पास काम हो रहा है किसी के घर में, तो जिसकी वजह से बहुत यहाँ पर नॉइज आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करें। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये दो कार्ड आना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं ले लेती हूँ इसको। और कोई कार्ड आना चाहते हैं इस डेक से, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आज के दिन में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। ओके, जर्नी, आर्कएंजल माइकल, व्यूअर्स के पर्सन की कारण एनर्जी, व्यूअर्स के पर्सन की कारण एनर्जी से सेंटर गाइड करें व्यूअर्स के पर्सन की कारण एनर्जी, व्यूअर्स के पर्सन की कारण एनर्जी। तो करंट एनर्जी में आपके पर्सन खुद को हील करने के लिए कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। और साउंड से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं, या तो फिर म्यूजिक सुन रहे हैं, या तो फिर अगर आपके पर्सन को कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो वो प्रैक्टिस कर रहे, या फिर उनमें से वो कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे, ठीक है। आज के दिन में जब भी आप देख रहे हो रीडिंग को, उस टाइम पे अगर आपके पर्सन कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, या फिर उनके अंदर अगर कुछ क्रिएटिविटी जागृत हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने उस एरिया ऑफ फील्ड में कुछ न्यू, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं आज के दिन में। और कुछ लोग के पर्सन ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, सॉन्ग से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड स्पेसिफिक है, अदरवाइज कोई भी एरिया ऑफ फील्ड में आपके पर्सन जो है कुछ क्रिएटिव करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके पर्सन के हार्ट चक्र ओपन हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, तो आपके पर्सन एक्सप्रेसिव बनेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करने की वाइब्रेशन में आएंगे, ओके। और जर्नी का कार्ड है, आज के दिन में आपके पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं कहीं, या तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर काम की वजह से आपके पर्सन आज के दिन में सोचेंगे कि कोई दूसरी सिटी जाया जाए, कोई दूसरा शहर जाया जाए, ठीक है। और कुछ लोग शिफ्टिंग के बारे में भी सोच सकते हो। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपके पर्सन के साथ है, उनको गाइड कर रहे हैं, उनके जो भी एरिया ऑफ फील्ड है, ठीक है, जो भी करियर में वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं आर्कएंजल माइकल, दी क्वीन ऑफ रोजेस। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार, इमोशन भर भर के है, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इस फुल मून में उनके दिल में प्यार और ज़्यादा उभर कर आ रहा है, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग, प्रोटेक्टेड, नर्चरिंग, मदरली यहाँ पर जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
साथ ही साथ आपके पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। हो सकता है फिलहाल आपके पर्सन काम में फोकस्ड है, खुद की पेंटिकल पे फोकस्ड है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है गोल ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, मनी माइंडेड पर्सन हो सकते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को, पैसों को तवज्जो देते हैं, इस तरीके का पर्सन हो सकते हैं। अदरवाइज आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए डेडिकेटेड, या तो फिर वो आपको स्टेबिलिटी भी देना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से है रिफ्लेक्शन का कार्ड, तो जैसे कि आपको पता है आज फुल मून है, तो इमोशन अप एंड डाउन हो सकता है और आपके पर्सन की इमोशन ओवरफ्लो होंगे रात के टाइम में, इवनिंग के टाइम में, ठीक है, ये दिख रहा है। और अदरवाइज मून की इफेक्ट पड़ा है, सबके ऊपर पड़ता है, तो आपके पर्सन को भी यहाँ पर इमोशनल कुछ इल्यूजन फेस करने पड़ सकते हैं, या तो फिर इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, पास्ट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, थोड़ा पर्चिंग यहाँ पर हो सकता है आज के दिन में आपके पर्सन की, या तो फिर आपके भी, ठीक है। तो किसी नेगेटिव चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, रो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, या तो फिर इमोशनल रहेंगे वो दिन भर, ठीक है, ऐसा एनर्जी है। उनको भी गाइडेंस रिसीव हो रहा है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, उनको गाइडेंस रिसीव हो रहा है डिवाइन की तरफ से और कोई गुरु की तरफ से, कोई गाइडर की तरफ से उनको गाइडेंस रिसीव हो रहा है, या तो फिर आपके पर्सन खुद ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं, आ रहे हैं, ताकि वो दूसरों का मदद कर सके, दूसरों को सही रास्ता दिखा सके, दूसरों को गाइड कर सके, ठीक है। यहाँ पर दो तरह की मैसेज है, हो सकता है आपके पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से नॉलेज ले रहे हैं, किसी से सुन रहे हैं, या तो फिर वो इतना कैपेबल हो रहे हैं कि वो दूसरों को गाइड कर सके, ठीक है, दूसरों को कुछ नॉलेज दे सके, ठीक है, इस तरीके का वाइब्रेशन है। चलिए अदर डेक से मैं चेक करती हूँ कि क्या एनर्जी है आज के दिन में। प्लीज इनको गाइड करें मेजर लेवल पे क्या चल रहा है फुल मून में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में, मेजर लेवल पे क्या चल रहा है फुल मून में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में, मेजर लेवल पे क्या चल रहा है, प्लीज इनको गाइड करें मेजर क्या हो रहा है, ठीक है। एक साथ आज कार्ड आ गए हैं, द हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक, द फूल यहाँ से आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, माँ काली एंड माँ पार्वती की एनर्जी है, तो फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रहा है गाइस। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर इमोशनल हो सकते हैं आने वाले टाइम में आपके पर्सन, इमोशनली वो कुछ अप एंड डाउन से गुजर सकते हैं आपके पर्सन, तो उस तरीके का यहाँ पर एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, साइन की बात कर देती हूँ, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, मतलब 12 साइंस आए हैं, हाई प्रिस्टेस यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी है और एडिस की एनर्जी है, ओके, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है और वर्गो की एनर्जी है, ठीक है, तो इस तरीके का है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आज के दिन में केयर फ्री होके किसी चीज़ में रिक्स लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई कर्मा टर्निंग पॉइंट्स ले रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, अगर बहुत टाइम से कर्मा सिचुएशन फेस कर रहा था आपके पर्सन, तो वहाँ से बाहर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपके पर्सन को, ठीक है, स्पिरिचुअली वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के तरफ जा रहे हैं आपके पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन बन रहे हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है, ऑब्स्टिकल्स भी मुझे दिख रहा है, लेकिन जितने भी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर क्यों ना हो, माँ काली की ब्लेसिंग से आपके पर्सन उस ऑब्स्टिकल्स से बाहर आएंगे। और यहाँ पर जो है हर्मिट का कार्ड बहुत ज़्यादा सोच विचार उनके जो है दिमाग में चल रहा है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं मेजर और गाना को, ओके सॉरी, तो इस टेक से हम क्लैरिफाई करेंगे मेजर और गाना को। प्लीज एंजॉय क्लैरिफाई करें कार्ड्स को इस टेक से, ये फुल क्यों आया है, कहाँ से बाहर आ रहे हैं, क्या सी होके दी फुल क्यों आया है, कहाँ से बाहर आ रहे हैं, ये फुल क्यों आया है, प्लीज एंजॉय गाइड करें। 8-8 की एनर्जी, कर्मा से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, जहाँ पर स्टक थे, जिस भी कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे, वहाँ से इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, कहाँ पर स्टक थे, 3 ऑफ कप्स, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो स्टक थे वहाँ से, कुछ लोग के पर्सन प्रिपरेशन ले रहे हैं बाहर आने के लिए, कुछ लोग के पर्सन बाहर आ चुके हैं, किसी डेबिल एनर्जी, कार्मिक एनर्जी। और यहाँ पर देखिए फाइट हो रहा है डेबिल के साथ,
ठीक है, किसी कर्मा के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में टॉक्सिक पर्सन के साथ आपके पर्सन का फाइट हो रहा है, अगर उस सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत टाइम से स्टक थे तो वहाँ से वापस आ रहे हैं यहाँ पर। 8-8 की एनर्जी, कर्मा की एनर्जी, तो उसके बाद आया है हुल ऑफ फॉर्चून बुक की शनि महाराज की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, हुल ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। यस, यहाँ से भी एम्प्रेस आ गए हैं, देखिए यहाँ से एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ से भी एम्प्रेस आए हैं और यहाँ से भी हार्मिक का कार्ड है, यहाँ से ये कार्ड हार्मिक का है। ठीक है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज और टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, और यहाँ से साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आए हैं, प्लीज इनको गाइड करें। दी मून, देखिए हाई प्रिस्टेस को मून ने क्लैरिफाई किया है, बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे आपके पर्सन आज के दिन में, पास्ट के बारे में सोचेंगे, पास्ट में उन्होंने जो भी गलती की है उसके बारे में सोचेंगे, थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे, थर्ड पार्टी से कैसे बाहर आया जाए लीगली। ठीक है, अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी से लीगली बाहर आने का सोचेंगे, या तो फिर अगर फैमिली है थर्ड पार्टी तो फैमिली से भी बाहर आ सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकता है, पेंटिकल हो सकते हैं, तो आपके पर्सन आपके तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, आपको जस्टिस दे सकते हैं, आपको न्याय दिला सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे आपके पर्सन और इस इमोशन को हाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। माँ काली की ब्लेसिंग्स क्या हैं, प्लीज इनको गाइड करें। दी एम्प्रेस क्यों आए हैं यहाँ पर, ये बहुत सारे कार्ड आना चाहते हैं, यहाँ से टेम्परेंस, यहाँ से किंग ऑफ सोर्ड और यहाँ से थ्री ऑफ सोर्ड। ओके, इमोशनल है बहुत ज़्यादा, क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो थर्ड पार्टी को पार्ट ऑफ करके यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और पीसफुल रिजोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, बैलेंस लेके आना चाहते हैं। तो ये एनर्जी है आज के दिन में आपके पर्सन की, और किसी कपल के बीच में फाइट हो रहा है गाइस, यहाँ से क्वीन ऑफ सोर्स, वहाँ से किंग ऑफ सोर्स आया था, पैसों को लेके कपल के बीच में फाइट हो रहा है, तो उनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई अदर कोई कपल हो सकते हैं। ये हार्मिट क्यों आया है, हार्मिट क्यों आया है, प्लीज इनको गाइड करें। हार्मिट क्यों आया है, प्लीज इनको गाइड करें। हाई प्रिस्टेस छुपा रहे इस चीज़ को आपके पर्सन, और एक चीज़ छुपा रहे कि वो आपके लिए कितना वेट कर रहे हैं, आपको कितना मिस करते हैं, आप दोनों की जो भी एक साथ बिताया हुआ टाइम है उनको कितना मिस करते हैं, और दिन भर वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशन है, वो आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, आपको ही खुद का दुनिया मानते हैं आपके पर्सन, तो इस सारी चीज़ों को आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी में फाइट हो रहा है पैसों को लेके। ठीक है, तो ये एनर्जी है गाइस, चलिए देखते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज इनको गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं आज के दिन में उनके पर्सन, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं। फाइट, अगर फाइट हुआ था आपके पर्सन के साथ, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो वापस आ रहे आपके पर्सन फिर से आपके साथ। यस, आपकी मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए लॉयल है आपके पर्सन। मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 37 इम्पॉर्टेंट है, 27 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके,
थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्ट्रांगली यहाँ पर कंफ्यूज है आपके पर्सन और स्ट्रेसफुल भी है, यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। तो जिस भी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन है वहाँ पर स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस की कार्ड है थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी उनको स्ट्रेस दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन परेशान है। चेंज का कार्ड है, वो उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, उसके लिए पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका हालत ऐसा है कि वो गोइंग विद द फ्लो में जा रहे हैं। और एक चीज़ है, थर्ड पार्टी उनका कर्मा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया है, तो जिस भी सिचुएशन में वो है वो उनका कर्मा है। ओके, चलिए कुछ कर मैं और लूँगी यहाँ से। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में। ओके, देखिए आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर आपके साथ फाइट हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो यहाँ पर चेंज आ रहा है। आपका जो टाइम चल रहा था, बुरा वक्त चल रहा था, वो चेंज होगा, ठीक है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं, आज के दिन में उनको उनका कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। और अगर किसी सिचुएशन में वो स्टक है, आपके साथ फाइट नहीं हुआ है, तो किसी के साथ उनका फाइट हुआ है करंट एनर्जी में, और आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है, डॉग की तरह, ठीक है, इनोसेंट है, लॉयल है, डेडिकेटेड है आपके पर्सन आपके प्रति। फिलहाल बहुत ज़्यादा हार्मिट मोड में है, यहाँ से हार्मिट का कार्ड आया था और यहाँ से टर्निंग इन का कार्ड है। पास्ट में उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, आपको एक्सेप्ट नहीं किया, किसी और की वजह से आपको छोड़ा, जिसके लिए उनको रिग्रेट है, और वो कुछ टाइम आइसोलेशन में रहेंगे, सोच विचार करेंगे, तो हर रोज़ ये जो गिल्ट है उनके अंदर की वो उनको खाए जा रहा है, ठीक है। तो ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट है और वो आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और आपके साथ ही कंप्लीशन चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन हो, आपके पर्सन यहाँ पर एक्शन लेंगे। सन का कार्ड है, उनको पता है कैसे एक्शन लेना है। फिलहाल वो बच्चों जैसा बिहेव कर रहे होंगे, इनोसेंट सा बिहेव कर रहे होंगे, दिखा रहे होंगे कि उनको कुछ भी नहीं पता है और क्या करना है नहीं करना है उनको नहीं पता, लेकिन वो एक्शन ज़रूर लेंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर क्या होगा, आपके पर्सन को कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है, किसी की तरफ से उनको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। हो सकता है उनके वर्क से रिलेटेड कोई मैसेज उनको आ सकता है, या तो फिर आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहेंगे, साथ ही साथ काम के बारे में भी सोचेंगे और आपके बारे में भी सोचेंगे आने वाले 16 आवर्स, ठीक है। नंबर 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, यस, नंबर 34 इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर डे ड्रीम कर रहे, सपना कर रहे, देख रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, कि एक दिन उनको एक न्यू रास्ता मिलेंगे और उस दिन वो आपके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप पे आएंगे। जो भी उनका बुरा दर चल रहा है वो बुरा दर उनके लाइफ से ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन कुछ डे ड्रीम कर रहे हैं कि उनको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में मिलेंगे, और वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपकी जो भी पर्सनालिटी है, आप जैसे भी हो, आपके पर्सन के लिए आप बेस्ट हो, बेहतरीन हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में वो आपको लेके ओवर थिंकिंग करेंगे और आपकी जो है अप्रिसिएशन उनके दिल और दिमाग में चलता रहेगा। साथ ही साथ वो कुछ जिस भी हालत में वो फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर आने का सपना वो देखेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में, प्लीज़ जो गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइजेस के लिए, और मैं बहुत जोर जोर से बोल रही हूँ और मुझे भी तकलीफ हो रहा है गाइस, और मुझे आज सर में भी दर्द हो रहा है फुल मून की वजह से, तो होता है मुझे न्यू मून फुल मून के टाइम सर पे दर्द होता है, ठीक है, तो आज भी हो रहा है और
मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बात कर रही हूँ कि बैकग्राउंड नॉइजेस आ रहा है, आपको सुनाई नहीं देगा, इसलिए तो आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करें। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस रिश्ते में? आज 3 टाइम एम्प्रेस आ चुके हैं। ओके, ये कार्ड आना चाह रहे हैं जैस्मिन। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस रिश्ते में? नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस रिश्ते में? किसी को गाइड करें। ओके, देखिए मैं यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके कोई डिसीजन लेने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। मेजर डिसीजन होगा, जजमेंट होगा, मतलब रिजल्ट, जो भी सिचुएशन चल रहा था उनका रिजल्ट आने वाला है इस फुल मून के बाद। और यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आज के दिन में, कल के दिन में बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं, हद से ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। फोर ऑफ व्हील्स, किसी भी हाल में वो आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ही खुद का दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं। वर्ल्ड कार्ड भी यहाँ पर 2-3 बार आ चुके हैं, ठीक है। तो आपके साथ ही वो फैमिली और घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ ही खुद का दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस तरीके का मैसेज है, किसी भी हाल में वो आपको खो नहीं सकते हैं। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 4 डेज के अंदर आपको ये रिजल्ट दिख सकता है, ठीक है। मैसेज में रीड करने वाली हूँ आपके लिए। यहाँ से मैं कुछ मैसेज लूंगी, प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वन सेकेंड गाइस, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, इस मैसेज को हम रीड करेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, यहाँ पर बहुत टाइम हो जाता है। हैव ए गिफ्ट फॉर यू, आपके लिए कोई गिफ्ट है। लॉन्ग टाइम आई डोंट हेयर योर वॉयस, बहुत टाइम हो चुके हैं आपके पर्सन आपका वॉयस नहीं सुना है। हस्बैंड, आप उनके हस्बैंड हो सकते हो या फिर वो आपके हस्बैंड है। डेविल एनर्जी, कोई डेविल एनर्जी है आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, पिक अप द कॉल, यहाँ पर कॉल आ रहा है, आप रिसीव नहीं कर रहे हो। सीक्रेट मैरिड, तो कुछ लोगों को कॉल आया होगा, आपने रिसीव नहीं किया है। सीक्रेटली मैरिड किया है या फिर मैरिड करना चाहते हैं। ब्रेकअप, कुछ लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन है। रोमांस आ रहा है आपके लिए। यू आर माई मिसिंग पार्ट, आप उनके मिसिंग पार्ट हो गाइस। यू आर माई जान, आप उनके जान हो। तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे, तो आपके बिना उनको कुछ भी नहीं भाता है। कॉफ़ी डेट, कॉफ़ी पीना चाहते हैं आपके साथ, कॉफ़ी डेट पे जाना चाहते हैं। सोलमेट, आप उनके सोलमेट हो सकते हो। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन से गुजर रहे आपके पर्सन। कॉल मी सून, तो आपको कॉल करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। राइडिंग, आप वेट करो, उनको ही आने दो। फैमिली, फैमिली इशू हो सकता है या तो फिर आप लोगों का फैमिली है। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप पे कनेक्टेड हो सकते हो। वाइब इशू, कुछ लोगों का वाइब इशू है। स्ट्रेसफुल नाइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है उनका नाइट। डेटिंग, डेटिंग पे जाना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं। अदर लव इंटरेस्ट, तो आपके पर्सन की लाइफ में अदर लव इंटरेस्ट हो सकते हैं गाइस।
आई लव यू, और यहाँ पर है पुल डाउन, पुल डाउन, तो पुल डाउन का मैसेज आया है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। सो मच फेयर टू लूज यू सोना, तो जैसे कि आप पूछ रहे हो क्या चल रहा है, तो आपके पर्सन जवाब दे रहे हैं सो मच फेयर टू लूज यू सोना, तो बहुत अच्छा है। मिस्ड कॉल, तो मिस्ड कॉल आने वाला है। यहाँ पर कॉल की वाइब्रेशन 3 times आए हुए हैं। मिसिंग एट नाइट, आपके पर्सन रात को मिस करते हैं। निक नेम, उनका निक नेम आपका फेवरेट हो सकता है, या तो फिर उन्होंने आपको कोई निक नेम दिया होगा, तो इस तरीके का कुछ मैसेज है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस, मोनोलॉजी से आज गाइडेंस लेंगे क्योंकि आज मून है तो मोनोलॉजी यूज करना है। चलिए देखते हैं। इतना चिल्ला रही हूँ गाइस, सर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ पर साउंड आ रहा है ना, इसलिए को गाइड करें। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए इस फुल मून के टाइम पे, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं प्लीज सेंसर गाइड करें, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो जो भी आप कह रहे हो उसके लिए प्राइड मत फील करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राइड नहीं फील करना है आपको। पॉसिबिलिटी लाइट्स अहेड, आप काम करते जाओ, आने वाले टाइम में आपको लाइट दिखेगा, होप दिखेगा, पॉसिबिलिटी आएगा। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में उनको प्यार से हैंडल करो, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जा रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, तो एंजल बोल रहे हैं नाथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। नेगेटिव सोच के आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। नाथिंग इज येट सेट इन स्टोन, जो लोग सोच रहे हो कभी भी पॉसिबल नहीं है ये चीज़, कभी भी नहीं हो सकता, तो इसलिए एंजल बोल रहे हैं कुछ भी सेट करके नहीं रखा गया है स्टोन पे, कुछ भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, आपको नहीं पता कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है, जो चीज़ आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो चीज़ कुछ दिन बाद पॉसिबल भी हो सकता है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यस पावरफुल चेंज आ रहा है, न्यू स्टार्ट आ रहे हैं, और योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट की टेस्ट लिया जा सकता है इस फुल मून में, तो आपको टिगर मिलेगा गाइस, ठीक है। आप लोग तैयार रहना, आपको टिगर मिलने वाला है क्योंकि ये आपका परीक्षा लिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, टेस्ट लिया जा रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है गाइस, तो स्पेसिफिक फुल मून के लिए मैसेज है, तो बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग नेगेटिव हो रहे हैं, आपको नेगेटिव नहीं होना है। चलिए गाइस मैं नेम अनाउंस कर देती हूँ इस वीक में जिनको फ्री रीडिंग मिला है मेरे तरफ से, तो जिनका भी ये नेम मैं अनाउंस करने वाली हूँ उनको 3 days के अंदर मुझे कनेक्ट करना है मेरी व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। जिस नेम पे आपका आईडी है उस नेम से आपको कनेक्ट करना है, उस नेम से आपको रीडिंग लेना है, ठीक है। तो चलिए नेम अनाउंस मैं कर देती हूँ इस वीक में किसको मिल रहा है फ्री रीडिंग्स, फ्री रीडिंग्स, ओके। लकी वंस का नेम है प्रशांत जंगम, ठीक है। प्रशांत जंगम जी आपको इस वीक में फ्री रीडिंग मिला है मेरे तरफ से, ठीक है। अगर आपको रीडिंग चाहिए पर्सनल रीडिंग तो मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे आपकी एक क्वेश्चन पे फ्री रीडिंग आपको मिलेगा, जो नेम मैंने अनाउंस किया है उस नेम से आपको रीडिंग लेना होगा, ठीक है। तो गाइस ये था आज के दिन में नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग, और 3 days के अंदर आपको कॉन्टैक्ट करना है, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा आपको रीडिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। तो गाइस ये था नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग, आई होप आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है जरूर से लाइक करें, कमेंट करें कितना रेजोनेट हुआ, क्या रेजोनेट नहीं हुआ, ठीक है। और जो लोग न्यू आए हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले तो आपको ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करना है। और फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।